मेरा नाम ब्रजकिशोर है। ब्रजकिशोर जी, ब्रजकिशोर जी, आप लोग आज यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग ये लोटस बुलेवर्ड सेक्टर 100 सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, तो सभी फैमिलीज ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि 26-27-28 एक्सटेंडेड वीकेंड है, बच्चों के साथ पिकनिक पर जाते हैं। तो हमने अपने सोसाइटी में पहले फ्लैग होस्टिंग की, उसके बाद सब पिकनिक मना के घर से खाना लेकर आए, यहाँ पे साथ में खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज आप पहली बार आए हैं, ऐसे आते रहते हैं आप? नहीं, हम लास्ट वीक भी आए थे जी, और ये तो जो है 3 वीक से आ रहे हैं। तो मेन मकसद क्या आपका आज यहाँ आने का? हमारा मेन मकसद है यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कुछ खिलाना और एंजॉय करना, रिपब्लिक डे मनाना। और असल में बात तो ये है कि जो हम लोग डरे हुए थे कि मॉल में जाएंगे तो पट जाएंगे करनी सेना से, इसलिए जो है वहाँ कहीं गए नहीं, ऐसी जगह पर आए हैं। मतलब कड़ी सेना से डर था कि अगर और कहीं जाएंगे तो वहाँ वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन घर में रहेंगे तो भाई बोलेगी पद्मावती देखने चलो जी। हाँ, तो मैंने फिर इनको शीशे दिखा दिया, मैंने कही ये लो। मैं दूसरी बार आया हूँ इधर, तो तीसरी बार आया हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे आज रिपब्लिक डे भी था, सबकी छुट्टी भी थी, तो सोचा कि देश का रिपब्लिक डे यही मना लेते हैं पार्क में जाके। हाँ, स्वतंत्र में ही हो लेते हैं पार्क के। हाँ, करेक्ट, गणतंत्र दिवस। हम लोग यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, लास्ट टू लास्ट वीक आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। क्यों पीछे बोल रहे हो? नहीं, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है, काफी खुली हवा है, धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है। इस पार्क के अंदर कोई डिस्टर्बेंस, कोई आके कोई परेशान वरेशान या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम घर के पास है और अच्छा लग रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मैडम, आपका नाम? पारुल। पारुल जी, आप यहाँ कितनी बार आई हैं? फर्स्ट टाइम। तो आप फर्स्ट टाइम आई, तो आपको कैसा लग रहा है इस पार्क? अच्छा लग रहा है। अच्छा है जी। सर, आपका नाम? मोहित। मोहित जी, मोहित जी, कैसा लग रहा है पार्क के अंदर आके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और आपको कैसा लगता है कि आज का ही दिन क्यों आपने यहाँ चुना आने के लिए? आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, तो फैमिली आउटिंग के लिए आए। आपका नाम? युविका जी। युविका। हाँ जी। युविका जी, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर जी? तो आपको कैसा लग रहा पार्क के अंदर? बढ़िया है। बढ़िया है, तो आज ही का दिन क्यों आपने चुना? कि क्योंकि हम आज ही फ्री थे। आपने हस्बैंड से बोला कि आज ही हम फ्री हैं, आज हमें पार्क ले चलो? बिल्कुल। यही पार्क क्यों चुना आपने? क्योंकि हस्बैंड ने बोला यहीं चलते हैं। मतलब आज हस्बैंड की बात मान लेते हैं, मतलब आज भी आप अपने हस्बैंड की बातों पे चलती हैं? बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन शायद आपने पढ़ा होगा कि आज के दिन तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू किया था, महिलाओं को पूरी फ्रीडम। फ्रीडम फ्रीडम पूरी है, फ्रीडम में कोई कमी नहीं है हमारी। लेकिन आप तो कह रहे थे, हस्बैंड ने कहा था इसी पार्क के अंदर जाना है, तो कभी कभी हस्बैंड की बात भी माननी चाहिए, उनको भी फ्रीडम दे देनी चाहिए।